स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 से है क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे गिवन है कि क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर और एक और कंडीशन गिवन है कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे एंगल वन और एंगल टू यहाँ हैं तो ये आपस में इक्वल है हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के टी क्यू आर के तो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं या तो सारी की सारी साइड्स की रेशो इक्वल हो जाए या दो एनी पेयर ऑफ़ एंगल्स जो टू पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाए या टू साइड्स की रेशो और कॉरस्पोंडिंग जो एंगल है वो इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो टू साइड्स की रेशो की बने लेकिन उसमें भी जो पी आर है वो पी आर इस तरफ की साइड बन रही है ट्रा एंगल पी क्यू आर में हमें यहाँ पे देखिए गिवन है कि एंगल टू और एंगल वन इक्वल है तो आपको पता है कि इफ़ इन ट्रा एंगल ट्राएंगल पी क्यू आर इफ़ एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी आर है और पी क्यू है वो आपस में इक्वल होंगे को तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो एंगल वन के अपोजिट साइड है पी आर और एंगल टू के अपोजिट साइड है पी क्यू तो पी आर और पी क्यू इक्वल होंगे तो हम यहाँ से उसको रिप्लेस करेंगे पी आर को पी क्यू से रिप्लेस करेंगे फिर हम कंडीशन देखते हैं आगे तो मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले तो हम इसी कंडीशन पे आते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो हमारे पास हो गया पी क्यू इक्वल टू पी आर जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया रीजन आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अब हम इस फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं जो हमारे पास कंडीशन थी क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर तो अब हम पी आर को हम पी क्यू से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी कि क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी ओवर पी क्यू तो अब हम इस ट्राइंगल पर आ जाते हैं अब ये जो ट्राइंगल है वो इस तरह की बन जाती है कि टी क्यू आर पी क्यू एस अब इसमें अगर आप कंपेयर करो कंडीशंस को कंपेयर करो तो यहाँ से जो रेशो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की इसमें दो ट्राइंगल्स बनती हैं तो आप इसमें दो ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं एक है पी क्यू एस जो मैंने यहाँ पे लिखे है पी क्यू एस और दूसरी ट्राइंगल है टी क्यू आर ट्राइंगल टी क्यू आर इसमें हमें गिवन है कि क्यू आर अगर आप देखें यहां पे टी क्यू आर आएगी कि क्यू आर ओबर क्यू एस मीन्स इस ट्राइंगल का बेस जो यहां पे डायग्राम में है और फर्स्ट ट्राइंगल का बेस इन दोनों की रेशो क्यू टी क्यू या क्यू टी ओवर पी क्यू तो इस साइड की रेशो बेस की रेशो और ये साइड की रेशो जो है वो आपस में इक्वल है और एंगल क्यू जो है वो दोनों के लिए कॉमन है तो एंगल क्यू जो है वो बराबर रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लग जाएगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल जो वो सिमिलर हो जाएंगी पी क्यू एस और टी क्यू आर तो यही यहाँ पे कंडीशन है कि सबसे पहले तो आ गया कि जो रेशो गिवन थी वो रेशो आपस में इक्वल हो गई और दूसरा जो एंगल था वो कॉमन हो गया तो कंडीशन लग गई कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गई तो ये इसका सोल्यूशन था थैंक यू